मलेरकोटला में आज नागरिकता शोध बिल के खिलाफ हुई सबसे बड़ी रैली में जहां लोग दूर दरार से शामिल हुए और 12 जथेबंदियां इस रैली में पंजाब के अलग अलग शहरों और यहां तक के दिल्ली यूपी से भी लोग इस रैली में पहुंचे। वहीं शहर की ज्वाइंट एक्शन कमेटी पंजाब जिसने सबसे पहले मलेरकोटला के सरहदी गेट पर नागरिकता शोध बिल के खिलाफ पिछले 2 महीनों से अभियान चला रखा है, वह भी आम लोगों की तरह अपना जत्था लेकर इस रैली में पहुंचे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने कहा कि आज उन्हें इस रैली में बड़ी गिनती में लोगों की शिरकत देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि जो उन्होंने अभियान चलाया है नागरिकता शोध बिल के खिलाफ वो कामयाब हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार ने नागरिकता शोध बिल को वापस नहीं लिया तो आने वाले समय में वह एक बड़ा संघर्ष करेंगे, जिसे देखकर मोदी सरकार को लोगों की ताकत के आगे झुकना ही पड़ेगा। आजाद टीवी न्यूज के लिए मलेरकोटला से मोहम्मद काजम के साथ शाहिद जुबैरी की रिपोर्ट। हमने जी अगला एक्शन की होगा तो किस तरह रही रैली आज दी? साढ़े कंटिन्यू बेदारी प्रोग्राम चलते रहे जो असं मस्जिदों के किए ने, घर घर जाके किए ने, पिंडा के जाके रैलियां कीतिया ने। यही एक धरना साढ़ा पिछले 2 महीने से अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं जो चलता आ रहे हैं और अगे भी साढ़े प्रोग्राम कंटिन्यू चली जाएंगे। असं अगे भी जोड़े बेदारी प्रोग्राम ने, रैलियां ने, धरने ने, सब न उदा ही लेके चलना जिवें हुण तक चलता आ रहा। और अज का प्रोग्राम साडा बहुत अच्छा होया, इहदे उप्पर साडी बहुत मेहनत हुई है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने घर घर जाके और पिंड पिंड जाके इसका अवेयरनैस करवाया और साडे अज असीं अपना अलग तो एक जत्था भी लेके चले हाँ ज्वाइंट एक्शन कमेटी तरफ तो। काश्मीर जी कैसा रहा संघर्ष, जिहड़ा किस तरह रहा प्रदर्शन अज दा? केंद्र सरकार ने जिहड़ा काला कानून NRC NPRC बनाया उहदे खिलाफ पूरे मुल्क भर के अंदर जिहड़े एहतजाज ने, रैलियां चल रही हैं, उसी नूं लैके किसान यूनियन दी तकरीबन 12 जथेबंदियां ने मलेरकोटला शहर की दाना मंडी के अंदर एक बड़ा बड़ा प्रोग्राम रखिया, जिहदी मेहनत और कोशिश पंजाब की ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिहड़ी तकरीबन पिछले 2 महीनों तो धरना लगा के बैठी है और जुल्म के खिलाफ इंसाफ की मंग कर रही है और मुसलसिल यही कह रही है कि जदों तक सानू इंसाफ नहीं मिलेगा असीं अपना धरना नहीं चुकना। तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जगह जगह पर ऐलान करके, जगह जगह पर लोगों को जागरूक करके तैयार किया 16 तरीक नूं दाना मंडी आने लई। तो अज बहुत ही भारी इकट्ठ इत्थे जमा होया, मैं अगर कह कि तकरीबन 1 या 1.5 लाख की तादाद के अंदर लोगों ने शिरकत की है और असीं समझते हैं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सहयोग के नाल और पूरी कोशिश के नाल अज का साडा जिहड़ा प्रोग्राम है बहुत ही हद तक कामयाब होया और केंद्र सरकार नूं मूँह तोड़ जवाब असी दिता है सारे मुल्क भर के निवासियों ने मिलकर कि असी कोई भी काला कानून इतने लागू नहीं होने देना, भावें कोई मुसलमान होवे, हिंदू होवे, सिख होवे, ईसाई, सब नूं बराबर का दर्जा दिता जाए। अगला एक्शन साडा यही है कि असी मुसलसिल इसी तरह के रोस प्रगट करते रहेंगे और धरना अपना जारी रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, अज की रैली बेशक बहुत कामयाब रही है। सानू यह लगता ज्वाइंट एक्शन कमेटी को कि शहर के शहर के नाल लगते पिंडां दे लोग काफ़ी हद तक जागरूक ने और असी यह जिहड़े प्रोग्राम ने लगातार करते भी आ रहे हैं तो करते भी रहेंगे ताकि लोगों के विच जोश भरिया जाता रहे। बहुत ही जी हजारा की गिनती के सारे रिलीजन के लोग इतने पहुंचे हुए हैं जी। वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी NRC, अलग अलग सारी गिनतियां के लोग पहुंचे। अभी देख रहे हैं कि तुम सिक्योरिटी का अपना ही प्रबंध किया है, की ड्यूटी दे रहे हो तुम इतने? ਸੋ ਦੇਖ ਜਿਹਦੇ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਔਰ ਨਮਕੀਨ ਚਾਵਲ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ।